आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो IITs में मास्टर्स में सिलेक्शन लेना चाहते होंगे गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर। उन्होंने इंटरव्यू लिया मेरा, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई ग्रीटेड देम, उनको मैंने ग्रीट किया और फिर उन्होंने मेरे से मेरा इंट्रो पूछा। तो मैंने उनको इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं कहाँ से अपना बीटेक किया है और मैंने ये बताया मेरी ब्रांच पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है। बीटेक की मतलब इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि यू हैव डन योर बीटेक इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड यू हैव ऑल्सो गिवन द गेट एग्जाम, देन वाई डू यू वॉन्ट टू स्विच टू डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड एज यू नो जो IIT कानपुर का डोम्स का डिपार्टमेंट है दैट इज नॉट ओनली अबाउट मैनेजमेंट साइंस, इट इज ऑल्सो अबाउट डेटा साइंस एंड ऑल डेटा रिलेटेड काइंड ऑफ स्टफ। तो मैंने उनको यही बोला, हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ और आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो IITs में मास्टर्स में सिलेक्शन लेना चाहते होंगे गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर। तो गाइज आज आपको एक रियल एक्सपीरियंस मिलने वाला है IITs के सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से आपका रहता है। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट है जो अभी रिसेंटली IIT कानपुर में इवन इंटरव्यू भी फाइट करके आया है। तो गाइज कम्प्लीट वो आपको अपने सारे के सारे एक्सपीरियंस बताने वाले हैं कि IIT कानपुर का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरीके से रहता है। और सिमिलरली अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट सारे IITs में आपको इसी तरीके से प्रोसेस देखने को मिलता है। तो जब आप गेट क्लियर कर लेते हो और उसके बाद आप जब IITs में जाके एडमिशन लेना चाहते हो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में, तो कई सारे कोर्सेज में आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, कई सारे कोर्सेज में आपको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू भी फाइट करना होता है। तो ये डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। हाय एवरीवन, माय नेम इज प्रियांश दीक्षित, आई एम फ्रॉम उदयपुर राजस्थान। आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी विद माय ब्रांच पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और मैंने अपना बीटेक 2023 में कंप्लीट किया एंड आई अपीयर्ड फॉर गेट एग्जाम इन 2024 विद गेट पेपर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। देन आई फिल्ड फॉर्म फॉर वेरियस IITs एंड अभी रिसेंटली मैंने IIT कानपुर के डोम्स डिपार्टमेंट का इंटरव्यू दिया फॉर MTech इन डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस। अर्लियर इसको इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था। एक्चुअली ये ब्रांच डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट और फाइनेंस से रिलेटेड है जो मैनेजमेंट का भी कोर्स वर्क करवाती है और इंडस्ट्रियल ऑपरेशन से भी रिलेटेड ब्रांच है ये। सो एक्चुअली 28 अप्रैल को वी वर कॉल्ड देयर और सबसे पहले हम लोग का एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, 7:30 AM पे बुलाया गया था और अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी जो दूर से बच्चे आए हुए हैं जैसे केरला से, साउथ से या राजस्थान दूसरे स्टेट से आए, सब बच्चों को अकोमोडेशन फैसिलिटी थी फर्स्ट कम फर्स्ट टेक के बेसिस पे। जिन्होंने हॉस्टल के लिए अप्लाई कर दिया था उनको मिल गया था। और हम लोग का सबसे पहले 7:30 AM पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसमें 10th क्लास 12th क्लास इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए गए। देन उसके बाद हम लोग को एक एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बोला गया 10:30 के अराउंड। एप्टीट्यूड टेस्ट वॉज बेसिकली रिगार्डिंग इट ऑल्सो कंसिस्टेड ऑफ मैथ्स एंड टॉपिक्स लाइक स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी और एप्टीट्यूड था उसमें लॉजिकल रीजनिंग भी थी जो कि बहुत ही मॉडरेट लेवल की थी। मतलब आप तो अपने गेट की प्रिपरेशन अच्छे से की है तो आप आराम से वो भी कर ले जाओगे। एक्चुअली 500 टू 600 स्टूडेंट्स वर देयर फॉर रिटन एग्जाम, आउट ऑफ दैट ओनली 250 वर शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस। सो अराउंड 12:30 इन लोग ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था कि 250 बच्चे हमने शॉर्टलिस्ट कर लिए इंटरव्यू के लिए। देन देयर वर वेरियस काइंड ऑफ पैनल्स, अलग अलग पैनल में इंटरव्यू हुए। मेरे को जो पैनल मिला उसमें एक मैम थी प्रोफेसर एंड एक सर थे और दोनों से बातचीत से लग रहा था कि दोनों डोम्स मतलब MBA की फैकल्टी थे। उन्होंने इंटरव्यू लिया मेरा, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई ग्रीटेड देम, उनको मैंने ग्रीट किया और फिर उन्होंने मेरे से मेरा इंट्रो पूछा। तो मैंने उनको इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं कहाँ से अपना बीटेक किया है और मैंने ये बताया मेरी ब्रांच पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है। बीटेक की मतलब इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि यू हैव डन योर बीटेक इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड यू हैव ऑल्सो गिवन द गेट एग्जाम, देन वाई डू यू वॉन्ट टू स्विच टू डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड एज यू नो जो IIT कानपुर का डोम्स का डिपार्टमेंट है दैट इज नॉट ओनली अबाउट मैनेजमेंट साइंस, इट इज ऑल्सो अबाउट डेटा साइंस एंड ऑल डेटा रिलेटेड काइंड ऑफ स्टफ। तो मैंने उनको यही बोला कि मैं जब गेट के प्रिपरेशन कर रहा था तो डेटा इज़ द न्यू ऑयल, बिकॉज ये मेरे को पता लगा कि जैसे हम लोग का ऑयल होता है क्रूड ऑयल, ये अगर क्रूड है तो किसी काम का नहीं है बट व्हेन कन्वर्टेड इनटू डीजल एंड पेट्रोल ये काफ़ी यूजफुल हो जाता है। उसी तरीके से डेटा भी हमारा किसी काम का नहीं है अगर रॉ डेटा है, बट अगर इसको मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम इससे वेरियस इंसाइट जनरेट कर सकते हैं। सो आई गेस दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय माय दिस आंसर। फिर उन्होंने मुझसे मैथ्स के फेवरेट टॉपिक पूछे, मैंने बताया बेस थ्योरम स्टैटिस्टिक्स और उन्होंने मेरे से बेस थ्योरम पूछा, एक क्वेश्चन दिया, पेन और पेपर भी था तो मैंने उनको वो सॉल्व कर दिया वहीं पे। देन दे ऑल्सो आस्क्ड मी अबाउट कर्व स्केचिंग, लाइक उन्होंने बोला एक्स क्यूब का ग्राफ बनाओ तो मैंने उनको बना दिया, फिर 10x का ग्राफ पूछा गया, आई मेड दैट। देन दे ऑल्सो आस्क्ड मी अबाउट रिग्रेशन एनालिसिस, जैसे आउटलायर क्या होते हैं,
तो वो मैंने उनको बकायदा कर्व से मतलब ग्राफ से बता दिया, और फिर उन्होंने मुझसे एवरेज डिस्टेंस और एवरेज स्पीड की बात पूछी थी कि एवरेज स्पीड क्या होती है ए टू बी पॉइंट के बीच में। सो ये सब था। मैम ने मुझसे पूछा परसेंटेज और परसेंटाइल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो बेसिकली मेरा जो इंटरव्यू गया और जो बाकी भी लोग थे जिन्होंने मेरे साथ जो आए थे मेरे फ्रेंड्स वगैरह, उन सब ने भी यही बोला कि उन सबसे इंटरव्यू में दो चीज़ें कॉमन थी, जैसे स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी और कर्व स्केचिंग। जैसे मेरे एक फ्रेंड से पूछा गया मॉड एक्स प्लस फोर का कर्व, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का कर्व पूछा गया। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ब्रांच देन यू शुड बी गुड एट कर्व स्केचिंग एंड वेरियस मैथ्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। That's it. Thank you. तो आपने देखा कि किस तरीके से IIT में सिलेक्शन प्रोसेस होता है IIT MTech के बच्चों का। गाइज मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम BTech में एडमिशन लेते हैं तो हमारा कोई भी रिटन टेस्ट इंटरव्यू नहीं होता है। हम लोग जो भी अपने एग्जामिनेशन से JEE मेंस ये सब क्लियर करके जब जाते हैं तो हमारा एडमिशन हो जाता है। लेकिन क्योंकि हम MTech में हायर एजुकेशन में जाते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड वगैरह में जा रहे होते हैं, MS के प्रोग्राम हो गए, PhD के प्रोग्राम हो गए, तो वहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी को भी चेक किया जाता है कि आप कितना रिसर्च के लिए सीरियस हो, कितना आपका टेक्निकली डेप्थ नॉलेज है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को वो ऑब्जर्व करते हैं, दैट्स व्हाई वो लोग आपका पर्सनल इंटरव्यू भी करते हैं। तो मैं आपको एक बात सजेशन करना चाहूँगा कि जब आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चाहे आप PSU में जाना चाहते हो या चाहे आप IIT से मास्टर करना चाहते हो, कोई भी अगर आप टॉपिक को पढ़ते हो तो उससे आपको एक माइंड में ये चीज़ भी डाल के रखनी है कि इसमें इंटरव्यू के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो चीज़ अगर आप प्रिपरेशन के साथ में ही करेंगे तो आप इंटरव्यू के लिए भी वेल प्रिपेयर रहेंगे। तो हमेशा जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो सोचो कि इसमें मुझे इंटरव्यू में इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ये एक फॉर्मूला पूछा जा सकता है, इसमें ये दो तीन कंफ्यूजन है जैसे अजम्पशंस है, ये सब चीज़ें हैं तो ये मुझसे पूछी जा सकती है। तो वो चीज़ आप अपनी शुरू से जब आप अपनी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तब से ही आप कंटिन्यू करके रखिए। बाकी गाइस आप लोगों को और भी इस तरीके के सेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल जो है टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके करियर से रिलेटेड और भी कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आएगी तो आपको वहाँ पर टाइमली बेसिस पर मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।